लॉफिंग बुद्धा को घरों में क्यों रखा जाता है? चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल हर कोई व्यक्ति अपने घर या दुकानों में लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखते हैं, पर क्या आप जानते हैं? नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा। दरअसल जिनको आप लॉफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं वो असल में महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे। दरअसल महात्मा बुद्ध के शिष्य जापान में भी थे। अच्छा। जिनमें से एक थे जापान के होतेई, ये महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है जब होतेई ने ज्ञान की प्राप्ति की तब वो जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना बना लिया था। होतेई का शरीर गोल मटोल था, पेट निकला हुआ था। वे जब भी लोगों के बीच होते थे तो अपने बड़े से पेट को दिखाकर जोर जोर से हंसते थे और माहौल को खुशनुमा कर देते थे। उनके हसमुख स्वभाव की वजह से लोग उन्हें लॉफिंग बुद्धा बुलाना शुरू कर दिया। इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में लॉफिंग बुद्धा कहा जाता है। चीन और जापान के लोग उन्हें भगवान मानने लगे, उनके मूर्ति को घर में रखने लगे। चीन में होतेई को पुतेई के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपको यह फैक्ट जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Boom, pow. Oh!